सर आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है सर? मैं एक्स आर्मी हूँ। एक्स आर्मी मैन? अच्छा, यहीं के लोकल? यहाँ मैं लोकल हूँ। अच्छा, तो ये बताइए सर, यहाँ पर एक्स आर्मी मैन के हिसाब से बताइए कि इस इलाके की और क्या समस्याएं हैं? एप्पल प्रोडक्शन के अलावा भी कोई समस्या है? समस्याएं तो यहाँ की बहुत है, खासकर डिफेंस पर्सन के साथ में, जो ये मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है, जैसे अभी जो ORoP का जो एक झांसा देके, अभी वन रैंक वन पेंशन ORoP इज द सेम थिंग, ही हैज गिवन नथिंग टू द एक्स मैन ऑफ दिस एरिया। एंड सेकेंडली जो CSD फैसिलिटीज है, मैं आपको ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो ये CSD फैसिलिटीज है, इसके ऊपर भी बड़ा अंकुश लगाया है ड्यू टू GST। एक सोल्जर जो है अपने बलबूते पे, जिसने ये अपना कंट्रीब्यूशन दे के, CSD इज नॉट ए गवर्नमेंट एसोसिएशन या गवर्नमेंट की तरफ से एड नहीं है, वो एक कंट्रीब्यूटेड उससे जो है ये होता है, एक कंट्रीब्यूशन से जो CSD हमारी चलती है, हम लोगों के उसमें ही चलती है, या जो हमारे से पहले हमारे सीनियर्स थे उन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया था, उनके कंट्रीब्यूशन से आगे हमने किया है, आगे जो आने वाली फौज है वो कर रही है। इसमें जो इन्होंने जो ये किया है, जो ये फौज के लिए कंटीन में जो है इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, एक लिमिट रिस्ट्रिक्शन लगी है, रिस्ट्रिक्शन ये लगी है, एक लिमिट होती है, लिमिट जो है कि जो ऐसे एक JCO रैंक है या एक ऑफिसर रैंक है, ही कैन परचेज 10,000 की लिमिट पर मंथ, 10,000 की लिमिट है परचेजिंग है। एंड नाउ दे हैव डिटेक्टेड इट, अभी किसी भी उसमें जाओ, नंबर एक तो GST की वजह से, एक तो पहले CSD में कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है, अगर जो अवेलेबल है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि भाई ये नहीं है, आपको इतना ही मिलेगा। अभी ठीक है, जब ये मंत्री लोग या कोई भी है, जैसे आपने देखा होगा पटवारी का बच्चा पटवारी बनता है, मंत्री का बच्चा मंत्री बन सकता है, तो एक सैनिक का भी एक परिवार होता है, उसके भी अपने रिलेशंस होते हैं, उस रिलेशन में वो सैनिक को भी अपने भाई बंदा है उनके लिए अगर वो थोड़ी हेल्प करता है तो ये कोई उसमें कोई गुना नहीं है, या अगर ये लिमिट और अपनी जो उसमें ही तो करता है, उसी में ही करता है जो लिमिट है, पर उसके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। तो यहाँ हिमाचल में मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की तो वो कहते हैं कि हमें फौजी बनना है, तो फौजी बनने के लिए तो कहते कहते सबका ही क्रेज होता है, होना भी चाहिए। हिमाचल की जो है एग्रीकल्चर के बाद में नेक्स्ट जो जितनी भी पॉपुलेशन है, इट इज मैक्सिमम डिपेंड अपॉन आर्मी उसमें बैकग्राउंड में, पर आज की डेट में जो आर्मी का वो कर रखा है इन्होंने, आप देख ही रहे होंगे, आर्मी को बिल्कुल डोमिनेट कर रखा है। ये इनको TV स्टूडियोज में बहुत नौकरी मिल रही है आजकल? नहीं, तो आज तक किसी ने बताया नहीं, यू आर द फर्स्ट मैन, यू आर इन्फॉर्मिंग मी। रात को 9 बजे जो डिबेट्स होते हैं उनमें नहीं बैठे होते आर्मी एक्स आर्मी में, तो अभी तक तो हमें तो किसी ने इनवाइट नहीं किया। अगली बार आपको इनवाइट करेंगे किसी डिबेट के लिए, डेफिनेटली। एंड देन उसमें पाकिस्तान को गालियां देनी होती हैं बहुत ज्यादा। पाकिस्तान को गालियां तो पहले भी दी जाती थी, आज जो आप ये कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का जो आप ये देते हैं कि बोला सर्जिकल स्ट्राइक है, आज आपके मीडिया ने थोड़ा सा इनको ये कर दिया, BJP ने मीडिया किया हुआ, ये पहले भी चला था, कांग्रेस के टाइम पे भी होता था। आई एम नॉट पॉलिटिशियन, मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। मैंने पूरी सेवा अपनी जो है पहले फौज में दी है, फौज से मैं कलर सर्विस लेके रिटायर हुआ हूँ, एज ए कैप्टन आई रिटायर्ड, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, क्या होता है क्या नहीं होता है। पर आज की डेट में जो हमारे सैनिकों के लिए जो अंग्रेजों ने स्टेटस दिया था, वो स्टेटस इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है, बारे में कोई बात नहीं करता है। जब कि टोल टैक्स जो एक सेवा जब तक सैन्य फौज में रहता है तो उसका टोल टैक्स माफ होता है, जब वो एक्स बन जाता है तो एक्स में उसका जो टोल टैक्स है वो क्यों चार्ज किया जाता है? एक सैनिक के लिए एक प्राइड की बात होती है, पैसा कोई बात नहीं है, पैसा तो वो दे सकता है, पैसा वो नहीं कहता। इफ इट इज ए कमर्शियल व्हीकल दैट शुड बी चार्जेस, अगर वो पर्सनल व्हीकल पे जाता है तो इट शुड नॉट बी चार्ज। ये का एक प्रेस्टेज होता है कि जब टॉप पे आता है कि भाई हाँ एक्स मैन है, तो ये स्टेट्स में ही नहीं होता है कि ये स्टेट में नहीं है, ये मैक्सिमम हर कंट्री में होता है। बिकॉज आई एम स्टिल इन जॉब इन दिल्ली, मैं जब भी आता जाता हूँ तो मैं यही देखता हूँ हर टॉल पे ये होता है। क्यों, अगर कोई मंत्री जाता है उसके साथ में पूरा काफिला है वो टैक्स पे वो जाता है। एक सैनिक का ये सम्मान दिया गया था, अब जो वो सम्मान बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।